फसल तैयार होती, मुझे आप सभी को याद होगा कि एक बार 30 मार्च को 2015 की बात है, भीषण बारिश हुई, ओलापात हुआ, अभी ओलापात हुआ है और फसल बर्बाद हुई है, लेकिन 30 मार्च को हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक 2 दिन घनघोर बादल, पता नहीं कहाँ से आए, वो बादलों का समय था। और आज की तारीख में देखिए, प्री मानसून रेन्स होने चाहिए थे, अभी तक प्री मानसून रेन्स हम इस तरफ पूरे बिहार में नहीं हो रहा, नॉर्थ बिहार के कुछ हिस्सों में हो रहा, तो ओलापात हो रहा है। ये जो मौसम की जो बेरुखी है, या जो क्लाइमेट की जो बेरुखी है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, उसका सीधा असर कृषि पर पड़ रहा है। किस रूप में कृषि पर पड़ेगा? उत्पादन कम होंगे, उत्पादकता घटने की बात है, प्रोडक्टिविटी घटना। और सबसे खतरनाक है कि जो अनाज पैदा होगा या हो रहा है, उसकी पोषकता में, उसके न्यूट्रिशियस वैल्यू में कमी हो रही है। इसलिए आप सभी जानते हैं कि कुपोषण का जो खतरा हमारे देश और बिहार में भी है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक बार हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने आंकड़े दिए, उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में 48% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, 48%। अरे, बच्चों की आधी आबादी जिस प्रदेश में कुपोषण का शिकार है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से न्यूट्रिशियस वैल्यू जो फूड का है घटता चला जाएगा, तो आने वाला समय कितना भयावह होगा पूरी आबादी के लिए, ये हमें डरावना फिगर सा लगता है।